नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार की सुबह एक प्राइवेट बस और डीसीएम की भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने इन दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को अस्पताल भेजने के बाद इन्हें सड़क से हटाने का काम शुरू कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में वह परिवार के साथ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से मयंक त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। मयंक, कितने बजे की है यह घटना और कैसे हुआ यह हादसा? मैडम, 7:45 बजे की यह घटना है। 7:45 पे धौरारा से लखनऊ बस जा रही थी, प्राइवेट निजी वाहन, जिसमें 50 से अधिक सवारियां थीं। नकहा शारदा पुल पे इधर से जा रही डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें करीब 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 25 से अधिक लोग घायल हैं। जनपद में परिवहन विभाग की खराब कार्यशैली से आम जनमानस परेशान है। फर्राटे भर रही हैं डग्गामार वाहन, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई भी वाहनों पर संज्ञान नहीं लिया है। जिस तरीके से प्राइवेट वाहन फर्राटा भर रहे हैं बगैर किसी कागज के, मौके पर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर सब मौके पर पहुंचे हैं। जो भी डेड बॉडी उसमें फंसी हुई हैं वो कटर मशीन से काट काट के निकाली जा रही हैं। तो देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और आला अधिकारी तत्काल पहुंच के इलाज में समुचित व्यवस्था कराने की भी निर्देश दिए हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक व्यापारी के खिलाफ 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। सांसद के जनसंपर्क अधिकारी पवन दुबे ने बताया कि रवि किशन के साथ मुंबई के एक व्यापारी ने ठगी की है। उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में रवि किशन ने पूर्वी मुंबई निवासी जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक व्यक्ति को 3.25 करोड़ रुपए दिए थे। जब उन्होंने पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने 34 लाख के 12 चेक दिए। जब सांसद ने 7 दिसंबर 2021 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा गोरखपुर में 34 लाख का एक चेक जमा किया तो वह बाउंस हो गया। लगातार पैसे मांगने के बावजूद व्यवसायी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सांसद ने यह शिकायत दर्ज कराई है। औरैया में शिक्षक की पिटाई से 15 साल के दलित छात्र की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि परीक्षा में गलती करने पर टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी थी। हालत बिगड़ने पर घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद से औरैया में आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव करने के साथ ही गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रव और बवाल के मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक छात्र के पिता समेत 36 नामजद और 250 अज्ञातों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, औरैया जिले में सोमवार रात दलित बच्चे के शव को रख कर बवाल और पथराव के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की जीप में आग लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज की थी। मुंबई बम ब्लास्ट केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को फेक पासपोर्ट मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सीबीआई की लखनऊ कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया है। कोर्ट ने अबू सलीम पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे अभियुक्त परवेज को भी 3 साल का कारावास और 35,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फिलहाल अबू सलीम मुंबई की आर्थर जेल में बंद है। आपको बता दें कि बीते 13 सितंबर को मुंबई की तलोजा जेल में बंद अबू सलीम को उसके साथी परवेज आलम के साथ लखनऊ लाया गया था। फर्जी पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने दलीलें सुनी और फैसले के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की। अबू सलीम ने 29 जून 1993 में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। उसने परवेज आलम के जरिए अप्लाई किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक स्कूल बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि बस स्कूल से बच्चों को वापस लेकर जा रही थी। बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं है और बच्चों को दूसरी बस से उनके घर छोड़ा गया। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में जिला चिकित्सालय में चोर उचक्के बेहद सक्रिय हैं। दरअसल पत्नी का इलाज कराने आए युवक की बाइक चोरी करके ले गए। चोरी की पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। श्रावस्ती में भिंगा कोतवाली की एंटी रोमियो टीम सक्रिय हो गई। एंटी रोमियो टीम स्कूल, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सक्रियता दिखाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही टीम ने
स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए। अलीगढ़ के धौरा माफी में लखनऊ एसटीएफ और आईबी ने छापेमारी करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। युवक के पीएफआई सदस्य होने के सुराग मिले हैं। पकड़ा गया युवक बलरामपुर का निवासी है। वहीं टीमें देर रात तक आरोपी से पूछताछ में जुटी रही। आरोप है कि युवक पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।